हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। तो माइनक्राफ्ट के अंदर होते हैं हमारे पास 150 टाइप के ब्लॉक्स, मतलब ये एक टाइप के ब्लॉक है। अब इसके कितने टाइप है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, 150 टाइप के ब्लॉक्स माइनक्राफ्ट के अंदर है अभी के लिए। और इन 150 ब्लॉक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें शायद पता भी नहीं है। इसीलिए मैं आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम सिर्फ माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स के फैक्ट्स देखने वाले हैं, वो भी तगड़े और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। कुछ मॉब्स के भी फैक्ट देख लेंगे अगर अच्छे लगे तो। एंड वैसे अगर किसी को नहीं पता तो 150 मतलब 150 होता है, किसी को नहीं पता रहता भाई। तो बिना टाइम करें सीधा चलते हैं वीडियो में आगे। नंबर 9, तो माइनक्राफ्ट के अंदर बीकन होता है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन अभी आप जो बीकन ऐसा देखते हो वो पहले कुछ ऐसा दिखता था, एंड उसके बाद चेंज कर दिया इसको, फिर ये ऐसा दिखने लग गया, एंड उसके बाद फिर से चेंज कर दिया, एंड जो अभी आप देख रहे हो उसका डिजाइन तब से ही चला आ रहा है। वैसे तो बीकन को बनाने के लिए हमें ऑब्सीडियन चाहिए होता है, और ऑब्सीडियन सिर्फ नेदरराइट या फिर डायमंड से टूटता है, लेकिन बीकन को हम गोल्ड के पिकैक्स से भी तोड़ सकते हैं। वैसे तो बीकन व्हाइट कलर की लाइट एमिट करता है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम कलरफुल टिंट ग्लास लगा दे तो वो अलग अलग कलर में जलता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा औसम लगता है। एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन के कलर लगाए तो कुछ 12 मिलियन कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। 12 मिलियन इतना ज्यादा होता है, देख लो भाई। बीकन को हम पानी से पास करवा सकते हैं, लावा से पास करवा सकते हैं, बेडरॉक से पास करवा सकते हैं, एक प्लेयर के अंदर से भी पास करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल बीकन तो भाई इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको सारी पावर्स अनलॉक करनी है एक ही साथ में तो आपको कुछ इस टाइप का बीकन बनाना पड़ेगा। एक ही पिरामिड में 3-3 बीकन भी लग सकते हैं, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। नंबर 8, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोल तो दिया कि 150 ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्रिएटिव में होते हैं। सीक्रेट ब्लॉक्स के बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। जी हाँ, अगर हम लिखते हैं /give फिर हमें कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी जो माइनक्राफ्ट में कहीं नहीं दिखेगी, जैसे कि ये बैरियर ब्लॉक। ये है तो एक ब्लॉक लेकिन ये इनविजिबल होता है, इसके ऊपर आप ऐसे खड़े रह सकते हो लेकिन ऐसा लगेगा आप हवा में उड़ रहे हो। स्ट्रक्चर ब्लॉक, ये ब्लॉक माइनक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर देता है। कमांड ब्लॉक, ये तो सबको यार पता ही है इससे क्या होता है। डीबग स्टिक, किसी भी चीज को उल्टा पुल्टा करने में यूज आती है। जिक्सो ब्लॉक, ये जितने भी माइनक्राफ्ट में स्ट्रक्चर होते हैं उनको ये जनरेट कर सकता है। स्पॉनर, ये तो वैसे हमें सर्वाइवल में देखने के लिए मिलता है लेकिन क्रिएटिव में तो नहीं मिलता, एंड ना ही हम इसको सर्वाइवल में ऑब्टेन करके यूज कर सकते हैं। इसको रख के कोई भी स्पॉन एग ले लो एंड राइट क्लिक करो, फिर वहाँ पे वही वाले मॉब स्पॉन होंगे। एंड यहाँ पे ये 3 सीक्रेट बुक्स भी देखने के लिए मिलेगी जिनका कोई यूज नहीं है। नॉलेज बुक, ये वो वाली बुक है जो हमें सर्वाइवल में क्राफ्टिंग टेबल के अंदर देखने के लिए मिलती है। रिटन बुक, इसका कोई यूज नहीं है। इंचेंटमेंट बुक, इसमें कोई भी इंचेंटमेंट नहीं लगी हुई है एंड इसका कोई यूज भी नहीं है। ड्रैगन एग भी हमें सिर्फ इसी कमांड से मिलता है, क्रिएटिव मेन्यू में नहीं होता भाई। और भी कुछ चीजें जिनका इतना ज्यादा यूज नहीं है लेकिन वो सीक्रेटली छुपी हुई है इस कमांड में। नंबर 7, इलाइट्रा। माइनक्राफ्ट में जितनी भी तगड़ी चीज है उसमें नंबर 1 पे आना चाहिए, क्योंकि भाई ये है ही इतनी बढ़िया चीज, हमें माइनक्राफ्ट में ये उड़ा देती है। ये वाला उड़ाना नहीं, ये वाला उड़ाना। तो इलाइट्रा हमें इस वाली शिप में मिलती है, एंड ये एंड सिटी अनलिमिटेड हो सकती है और ये बोट्स भी अनलिमिटेड हो सकती है। एंडर ड्रैगन आप चाहे कितने ही मारो, इलाइट्रा आप अनलिमिटेड ले सकते हो। एंड इलाइट्रा की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है जैसे जैसे हम इसको यूज करते रहते हैं। लेकिन पहले माइनक्राफ्ट में हम लेदर के साथ इलाइट्रा को डाल के रिपेयर भी कर सकते थे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। एंड हमारा प्लेयर जब उड़ने के मजे ले सकता है तो ये मॉब्स क्यों नहीं भाई। जी हाँ, अगर ये कमांड डालते हैं तो आप कोई भी माइनक्राफ्ट के मॉब पे इलाइट्रा लगा सकते हो, चाहे वो ज़ॉम्बी हो, क्रीपर हो, स्केलेटन, कोई भी हो सकता है, मस्त उड़ता हुआ जाएगा। वैसे अभी तक आपको ये वीडियो बढ़िया लग रही है तो क्यों ना एक लाइक ठोक दिया जाए। 100K लाइक्स का एम रखते हैं इस बार भी। नंबर 6, तो गाइस मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये क्या है? ये जमीन है, ये आसमान है, इसका बीच का क्या है? शायद मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है। एक बार फिर से, अगर ये जमीन है और ये आसमान है तो इसका बीच का क्या है? ओके, मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हमारे रियल लाइफ में होती है एयर हमारे सराउंडिंग में, वैसे माइनक्राफ्ट में भी इसको एयर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे खाली सराउंडिंग नहीं होती, ये ब्लॉक्स होते हैं जो कि बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। वैसे माइनक्राफ्ट में 2 ही ऐसे ब्लॉक है जो इनविजिबल है, पहला बैरियर और दूसरा एयर। तो पूरे अपने वर्ल्ड में यार एयर तो फैली रहती है, वैसे हमें दिखती नहीं है, ना उसको हम छू सकते हैं, ना उसको हम तोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम /give कमांड लिखते हैं तो हमारे पास एयर इन्वेंटरी में आती भी है, लेकिन अगेन वो हमें दिखती नहीं है, ना उसको हम यूज कर सकते हैं। वैसे माइनक्राफ्ट में 3 टाइप की एयर होती है, वॉइड एयर, केव एयर और नॉर्मल वाली एयर तो होती है। जैसे कि मैंने अभी एयर का क्वेश्चन पूछा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। तो भाई यहाँ पे लाइट का सोर्स आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन लाइट तो आ रही है ना। जैसे हमारे पास एयर का ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास अब 1.17 में लाइट का भी ब्लॉक है। जी हाँ, ये कुछ ऐसा दिखता है, टॉर्च की तरह हर जगह लाइट फैला देता है, लेकिन ये बिल्कुल इनविजिबल होता है। पूरी जगह को हम रोशनी रोशनी कर सकते हैं और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या लगा रखा है। नंबर 5, 1.17 के अपडेट में माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉब ऐड हुआ है। नहीं, मैं वार्डन की बात नहीं कर रहा, वो तो ऐड ही नहीं हुआ। यहाँ बात चल रही भाई अपनी गोट की। आप चाहे मानो या ना मानो, गोट
माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा पावरफुल है। आयरन गोलम कितना ज्यादा पावरफुल है ये सबको पता है, कितनी भी हाइट से गिरा दो कोई डैमेज नहीं पड़ता। और ये कैरेक्टरिस्टिक भाई अपने गोट में भी है, इतनी ऊपर से भी गिरा दो तो भी बिल्कुल थोड़ा सा फॉल डैमेज होगा। वैसे कैट को भी माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा कम फॉल डैमेज होता है। गोट अगर इतना फॉल डैमेज झेल सकती है तो उतना भाई जंप भी कर सकती है। माइनक्राफ्ट में फॉक्सेस अभी तक सबसे ज्यादा ऊंची जंप करते थे, लेकिन गोट का तो भाई मुकाबला ही नहीं है। वेल, दो गोट को हम वीट के साथ ब्रीड कर सकते हैं, फिर आपके सामने छोटे छोटे क्यूट बेबी गोट आएंगे। और एक बार डिटेल पे ध्यान दिया जाए, इन गोट के हॉर्न्स होते हैं लेकिन बेबी गोट के नहीं होते, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा सीन है। एंड अगर बात करी जाए रेयरिटी की, तो सिर्फ 2% में से गोट ऐसी होती है जो पागलों की तरह चिल्लाती है। एंड सिर्फ वो पागलों की तरह चिल्लाती नहीं है, दूसरे मॉब को भी जाके अटैक कर देती है। और आर्मर स्टैंड को भी नहीं छोड़ा इसने तो, या फिर आप ज्यादा पास चले जाओ आपको भी ढेर कर देगी। एंड सबसे ज्यादा आईक्यू भी अभी तक मेरे को गोट का ही लगा है, क्योंकि पाउडर स्नो के ऐसे लेयर बना दो सारे मॉब्स आ जाएंगे भाई खाने के चक्कर में, गोट नहीं आएगी, आएगी तो भी जंप करके आएगी। आज से तुम लोग भाई बकरी का दूध पीने लग जाओ, आईक्यू ज्यादा हो जाएगा। नंबर 4, हमने इतनी सारी सारी एपिक चीजों के बारे में बातें कर ली, लेकिन जमीन पे उगने वाली घास के बारे में कौन बात करेगा। तो ये ग्रास कभी कभी काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो सकती है। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मॉब आता है और ये ग्रास हमारे सामने खड़ी होती है तो उस मॉब को हम मार भी नहीं पाते। जैसे स्टोन को माइन करने के लिए पिकैक्स होता है, वैसे ग्रास को माइन करने के लिए शेयर होती है, मैं तो आज तक यूज नहीं करी। और लाइटनिंग माइनक्राफ्ट में गिरती है ना, ग्रास पे डायरेक्टली कभी नहीं गिर सकती, वो अलग बात है, साइड में अगर आग लगी है तो ग्रास पे भी आके लग जाती है। और माइनक्राफ्ट में ग्रास कहीं पे भी उग सकती है, केव में भी उग सकती है, माइनशाफ्ट में भी उग सकती है, या फिर विलेजर के घर में भी उग सकती है, ग्रास ब्लॉक होना चाहिए। नंबर 3, नेदर माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। और नेदर में जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले हमें ऑब्वियसली यार नेदर पोर्टल तो बनाना होता है। वेल, अगर नेदर पोर्टल की हम साइज की बात करें तो सबसे छोटा पोर्टल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन कमांड से हम बिल्कुल एक सिंगल फ्रेम भी ले सकते हैं, या फिर डीबग स्टिक से ऐसा छोटा नेदर पोर्टल भी हम बना सकते हैं। एंड अगर आपको बड़ा बनाने के मन है तो 23x23 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते आप। तो नेदर पोर्टल के अंदर हम कोई भी एंटिटी को भेज सकते हैं, जैसे कि विलेजर हो गया, क्रीपर हो गया, लेकिन विदर और एंडर ड्रैगन को हम नेदर पोर्टल में नहीं भेज सकते हैं। चलो एंडर ड्रैगन का तो समझ आता है, इसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये नेदर में जाके करेगा भी क्या, लेकिन विदर तो यार जा सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है, पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट का ही लॉजिक है। एंड लॉजिक की अगर हम बात करें तो हॉगलिंस तो आपने देखे होंगे, ये मोटे वाले बहुत दिमाग खराब करते हैं, तो अगर आप नेदर पोर्टल के पास खड़े हो तो हॉगलिन आपके पास आएंगे ही नहीं, मेरा मतलब नेदर पोर्टल के पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो नेदर पोर्टल से डरते हैं भाई। एंड दूसरी तरफ अगर आपकी डिफिकल्टी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके ओवरवर्ल्ड में ही पिगलिन स्पॉन होने लग जाएंगे ज़ॉम्बीफाइड वाले। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी उतने ज्यादा चांस पिगलिन स्पॉन होने के ओवरवर्ल्ड में नेदर के थ्रू। दूसरा नंबर, तो माइनक्राफ्ट के अंदर सन और मून दोनों ही स्क्वायर जैसे दिखते हैं, यही था भाई आज का फैक्ट। ओके, बताता हूँ, मजाक कर रहा था। तो जैसे रियल लाइफ में हमारे मून के फेजेस होते हैं, वैसे तो माइनक्राफ्ट में होते ही है, ये तो आपको पता होगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है द फुल मून फेज, जिसमें डिफिकल्टी बढ़ जाती है, मॉब्स आइटम उठाने लग जाते हैं। जितना ज्यादा फुल मून होएगा उतने ज्यादा चांसेस होंगी जो स्केलेटन और ज़ॉम्बीज है वो वेपन उठा ले या फिर आर्मर पहन ले। एंड जब फुल मून रहता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि एक स्पाइडरमैन कह रहा हूं मैं, एक स्पाइडर स्पॉन हो, वो भी इनविजिबिलिटी के साथ, मतलब उसकी सिर्फ आंखें देखेगी, उसकी बॉडी तो दिखेगी नहीं। एंड सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, जब भी फुल मून रहता है तो 50% कैट स्पॉन ब्लैक में होती है, ये वाली चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगी मेरे को। एंड जब फुल मून होता है तो आपको पता है स्वाम्प बायो में स्लाइम्स को ज्यादा स्पॉन होने लग जाते हैं। एंड हमने इतनी मून की बात कर ली तो एक फैक्ट में तगड़ा वाला सन के बारे में बताता हूँ, मेरे को आज ही जस्ट पता चला है। तो मॉब्स ऑब्वियसली डे लाइट में मतलब सन के नीचे स्पॉन नहीं होते हैं, स्पाइडर भी हम पे हमला नहीं करती है, लेकिन अगर हम बात करें एंडरमैन की, जब डे टाइम होता है तो एंडरमैन हमसे दूर टेलीपोर्ट होना ज्यादा पसंद करता है। वेल, वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप मेरे सब्सक्राइबर देखिए जरा, कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे हम 1 मिलियन के, तो मैं चाहता हूँ इस साल के एंड होने से पहले 1 मिलियन तो एटलीस्ट हिट कर ही ले हम। इस चैनल पे आपको इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, एकदम मोस्ट एपिक वाला, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, जब भी आप चाहो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, टोटली आप पर है। नंबर 1, तो ये है अपनी नॉर्मल वाली चेस्ट, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है एंडर चेस्ट, बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि ये सबके लिए भाई एक्सक्लूसिव होती है, एंड पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो अपना सामान तो यूज कर ही सकते हो। तो एंडर चेस्ट बनाने के लिए हमें 8 ऑब्सीडियन और एक एंडर आई की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम उसको तोड़ते तो हमें एंडर आई वापस नहीं मिलती है। एंड ऑब्सीडियन अगर नेदरराइट या फिर डायमंड के अलावा किसी दूसरी पिकैक्स से तोड़े
तो हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर एंडर चेस्ट को हम आयरन पिकैक्स से भी माइन करें तो हमें 8 ऑब्सिडियन तो मिल ही जाते हैं। तो आपने एंडर चेस्ट के साइड में ये वाले पार्टिकल्स देखे होंगे जो आपको एंडरमैन के साइड में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पार्टिकल्स अगर आप नोटिस करोगे तो एक ब्लॉक के बाहर कभी नहीं जाएंगे। एंड नॉर्मल वाली चेस्ट को अगर हम एनविल में रख के नाम देते हैं तो चेस्ट खोलने पे हमें ऊपर भी नाम दिखाई देता है। एंडर चेस्ट के साथ ये वाली चीज नहीं होती है। एंड एंडर चेस्ट को अगर हम हार्ट से तोड़े तो भाई कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही है। एंड फाइनली अब टूटी है ये। तो गाइस इसी के साथ इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। शाउट आउट टू बफी बॉय _2230 फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शाउट आउट टू AY अदर्स टेक टाइटेनियम फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कॉर्ड। आपको भी शाउट आउट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।